बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल अचंभित पात्रा जो है नागपुरी खटमल है शब्द ये नागपुरी अचंभित पात्रा नागपुरी खटमल है नहीं तेरे से ज्यादा मैं वाला तो झूठ बोलना बंद कर उल्टा टांगूंगा पंखे से गोल घुमाऊंगा बता रहा हूं मैं पैसा नहीं है शादी है नरेंद्र मोदी ने उस दिन मजाक उड़ाया था इन्होंने आज मजाक उड़ाया देश का मजाक उड़ाना इनका डीएनए है। मीडिया के डिबेट में अक्सर बीजेपी नेता एंकर की सपोर्ट के साथ विपक्षी नेताओं पर हावी होते दिखाई देते हैं, पर आज की वीडियो में बात राजनीतिक विशेषज्ञ निशांत वर्मा की कुछ डिबेट्स की करेंगे जिनमें उन्होंने बीजेपी नेताओं को फटकार लगाई हो। न्यूज 18 पर शाहीन बाग के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने शाहीन बाग के प्रदर्शन की काफी आलोचना की तो अपने जवाब में निशांत वर्मा ने संबित पात्रा को खटमल बताया, जिसके बाद बहस देखने को मिली। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी अडवाणी साहब ने एक पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। ये शाहीन बाग को तोहीन बाग बोलने वाले ये जो अचंभित पात्रा नारंगी खटमल पिस्सू हैं नागपुर वाले नहीं मैं बोलूंगा ये नागपुरी संतरा ये नागपुरी पिस्सू ये नागपुरी खटमल ये जो है नागपुरी खटमल किसी का नाम कैसे बदलते हो दिल्ली शहर के अंदर एक एरिया है शाहीन बाग आपने उसको तोहीन बाग बोला इसलिए मैं आपको अचंभित पात्रा कहूंगा। आपने बड़े गलत शब्द का इस्तेमाल करा ये नागपुरी खटमल बिल्कुल है ये बहुत गलत शब्द का अचंभित पात्रा जो है नागपुरी खटमल शब्द का ये नागपुरी पात्रा नागपुरी खटमल है नहीं आप ये शब्द नहीं बोलेंगे वापस ये दूसरों के लिए क्यों वोट दूंगा आप लोग इतना मर्यादा पूरी भूल चुके हैं इस देश के अंदर जो तोड़ने की राजनीति आप लोग कर रहे हैं ये कतई नहीं चलने वाली। रिपब्लिक भारत के डिबेट में भी संबित पात्रा ने अपनी डिबेट में निशांत वर्मा को कहा कि आप गुजरातियों से नफरत करते हैं तो निशांत वर्मा ने गुस्से में संबित पात्रा की क्लास लगा दी। कैसे बोलते हैं जोर तो मोदी जी है जो घर से जेवर लेके चोरी करके आई डोंट अंडरस्टैंड आप परेशान होते हो व्हाई डू यू हेट गुजरात वेलकम बैक करते हो व्हाई डू यू हेट गुजरात हुआ नहीं था व्हाई डू यू हेट गुजरात मिस्टर निशांत वर्मा व्हाई डू यू हेट गुजरातीस गुजरातीस अक्रॉस द वर्ल्ड सी द हेट्रेड ऑफ मिस्टर निशांत उल्टा टांग दूंगा कोई नहीं गुजरातियों को हेट करता उल्टा टांग दूंगा मैं उल्टा टांग दूंगा झूठ बोला तो सब गुजरातियों को नहीं हेट करता है पूरा इंडिया एक जैसा काम करते हैं उल्टा क्या टांग देगा बताता है कि उल्टा कौन से कसाई को डिबेट में लेके आया हो बोलता है गुजराती हु इज दिस बुच्चा हु इज दिस बुच्चा हु सेज दैट उल्टा टांग देगा कैसे बोला बता तू उल्टा टांग दोगे तू बदतमीज डोंट कॉल दिस लाउड माउथ गुंडास इन टू डिबेट मिस्टर गोस्वामी इतना इंडिया को प्यार मिस्टर गुंडा गेट आउट ऑफ दिस डिबेट और गुजराती हमारे भाई पूरा इंडिया हमारा भाई है तेरे से ज्यादा मैं वाला तो झूठ बोलना बंद कर मिस्टर गोस्वामी बता रहा हूं उल्टा टांगूंगा पंखे से गोल घुमाऊंगा बता रहा हूं मैं पंखे में उल्टा टांग के गोल घुमाऊंगा तमीज में रहना सीख ले। न्यूज 18 पर एक डिबेट में बीजेपी नेता ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाना शुरू किया तो निशांत वर्मा ने बीजेपी नेता को बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर घेरना शुरू किया जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। देखिए मोदी जी 68 साल की उम्र में हर हरा काम कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं और एक बेचारे 48-49 साल की उम्र में वीआरएस ले लिए। राहुल गांधी जी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पता है उन्होंने कहा भाई अब मुझसे नहीं संभल पाएगा इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप मजाक उड़ा रहे तीन लाख ये जब नरेंद्र मोदी जापान गए बोले घर में पैसा नहीं है शादी है नरेंद्र मोदी ने उस दिन मजाक उड़ाया था इन्होंने आज मजाक उड़ाया देश का मजाक उड़ाना इनका डीएनए है। एक नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर न्यूज 18 पर हुई डिबेट में निशांत वर्मा ने गौरव भाटिया से सवाल किया। गौरव भाटिया ने अपने जवाब में कांग्रेस पार्टी की आलोचना करनी शुरू की जिसका निशांत वर्मा ने करारा जवाब दिया। एक व्यक्ति लिखता है वी आर फेसिंग मेनी अ क्राइसिस इंग्लिश में बाद में हिंदी करूंगा वी आर फेसिंग मेनी अ क्राइसिस हमें बहुत सारी क्राइसिस फेस हो रही है इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ अवर आर्मी क्या ये सब हमारी आर्मी की कमजोरी की वजह से हो रहा है ऐसे आदमी का क्या करना चाहिए नरेंद्र मोदी ने लिखा है जी जी सब है उत्तर देना चाहता ताली बजाओ अब झूठ शुरू होगा चलिए जी जवाब 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 देखिए इसका उत्तर मैं बिल्कुल स्पष्ट देता हूं नरेंद्र मोदी जी ने ये बात क्यों लिखी है 10 साल तक पहली बात तो मान लिया लिखी है कोई और नहीं हुआ अगर नरेंद्र लिखी है हमें मान लिया
में नरेंद्र मोदी जी आए 2,36,000 बुलेट प्रूफ जैकेट आई, अपाचे हेलीकॉप्टर आए, ये होता है ईमानदारी और बेईमान दीमक में फर्क। ये आपके जवाब है, इसलिए लिखा नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बात, अरे जब ये आप सुनिए, अभी में नहीं, अभी मुंह में दही जमा दूंगा, आप सुनिए, अभी मुंह में दही जमा दूंगा, सुनिए। आप निशांत वर्मा के डिबेट पर जो भी राय रखते हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।